ऑटो चालक कर रहे मनमानी, मुसाफिरों से वसूल रहे मनमाना भाड़ा। कवर स्टोरी में दिखाएंगे आज पूरी खबर, मगर इस हेडलाइंस के बाद। लातेहार पुलिस ने भाजपा नेता जयवर्धन सिंह हत्याकांड का खुलासा करने का किया दावा, बताएंगे इस पर भी आज विस्तार पूर्वक। बने रहिए आरबीसी चैनल पर शेख मुजाहिद हुसैन आबादी के साथ। आरबीसी बेहतर खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हुसैनाबाद में लॉकडाउन ऑन क्या हुआ कि ऑटो चालक चांदी नहीं सोना तौलने लगे, वो भी लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर। गाइडलाइन के मुताबिक एक ऑटो में 4 व्यक्ति होने चाहिए, मगर ऐसा कोई ऑटो चालक करने को तैयार नहीं और नियम का खुला उल्लंघन करने को तैयार है। उन्हें तो मौका मिला है सोना तौलने का, वो कैसे किसी की मजबूरी को समझ सकते हैं। अगर कोई कम पैसा दे रहा है तो उसको उतरना पड़ेगा। ये सिर्फ हैदरनगर जाने वाले ऑटो चालक का कर्तव्य नहीं है, बल्कि दंगवार के लोगों का भी यही हाल है। दंगवार के लिए भी आपको 30 रुपये हर व्यक्ति पर देना होगा और ऑटो जाएगी तो पूरी भरकर। ये देखिए एक ऑटो की बानगी। एक हैदरनगर जाने वाले व्यक्ति से हमने पूछना चाहा तो उसने क्या कहा, देखिए। कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? ये गाड़ी पे बैठे हुए ऑटो में हैदरनगर। ऑटो वाले ने बताया कितना भाड़ा है? 30 रुपया मांगता है। 30 रुपया? 30 रुपया जी। एक सवारी का, दो तीन सवारी का? एक सवारी। एक सवारी का जी। कहाँ घर है आपका? बराही। क्या नाम हुआ आपका? गिरवर सिंह। लॉकडाउन ऑन में लोग थोड़ी सी बचत के लिए गांव से नगर पंचायत के मार्केट करने आते हैं और चुकाना पड़ता है उनको मनमाना भाड़ा। ये सिर्फ हैदरनगर या दंगवार की बात नहीं है। अगर आपको जाना होगा लोटनिया हुसैनाबाद से तो देना होगा 30 रुपये, अगर आपको जाना होगा गमहरिया तो देना होगा 20 रुपये। आप सोच लीजिए कि भाड़े का आलम क्या है और लोग किस तरह से बैठ कर जाते हैं। क्या ये नियम का उल्लंघन नहीं? क्या इस पर कार्रवाई होने की ज़रूरत नहीं? अगर इसका शुद्ध प्रशासन नहीं लेगी तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसी तरह से लोग किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते रहेंगे और होता रहेगा लॉकडाउन ऑन का उल्लंघन भी। लातेहार पुलिस ने भाजपा नेता जयवर्धन सिंह हत्याकांड का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस की एसआईटी ने पता लगाया है कि उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद JJMP के उग्रवादी मनोहर परहिया ने सुपारी देकर भाजपा नेता की हत्या करवाई है। हत्या लेवी नहीं मिलने और क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस ने इस मामले में स्थानीय थाना प्रभारी की संलिप्तता से भी इनकार किया है। आपको बताता चलूं कि अज्ञात अपराधियों ने जयवर्धन सिंह की गत रविवार की शाम गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वे बरवाडी के बस स्टैंड के पास नित्य रोज की तरह बैठे थे। बाद में अपराधी पैदल ही चलकर भाग निकले थे। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार, खोखा, अभियुक्तों के साथ मोबाइल सेट, छर्रे और सुपारी के लिए 50,000 रुपए में से 20,000 नगद भी बरामद किए हैं। आज के लिए बस इतना। शेख मुजाहिद हुसैन आबादी के साथ बने रहिए, हम दिखाते रहेंगे और कराते रहेंगे हकीकत से रूबरू।